Hi, this is Kay Singh. You are watching Snipe'd Up. Yeah, so my real name is Kulvinder Singh, which is very hard to pronounce, and which is, I feel like, doesn't like fit in the stage name. So that's why I'm modifying my name to Kay Singh. Yeah, the first childhood memory, I would say it's a mixture of embarrassing plus the exciting. क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे बोला कि हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो मेरे ब्रदर बोला कि चल हम छत से जंप मारते हैं. तो हम दोनों ने क्या किया, तो मैंने उसको बोला कि चल पहले तू मार. बोला नहीं पहले तू मार. तो मैंने जब जंप मारा और जब मैं ज़मीन पे लैंड किया, तो मेरा जो मतलब मेरी जीप थी वो मेरे दांतों के बीच में आ गई ऐसे, लाइक दैट. सो वो जीप कट हो गई, तो मैं तकरीबन 2 वीक तक कुछ खा नहीं पाया, सॉलिड फूड नहीं खा पाया, क्योंकि वो जख्म था मेरे टंग के ऊपर. और जो कि मेरे को कुछ भी मैं स्पाइसी खाता था तो जलता था. सो दैट्स द चाइल्डहुड मेमोरी आई हैव. यार मुझे गाने सुनने का तो शौक बचपन से ही था. मुझे म्यूज़िक सुनना या म्यूज़िक के अराउंड रहना, हर चीज़ में म्यूज़िक ढूंढना, तो ये सब तो पहले से अच्छा लगता था. फिर जब मैं US में आया, तो मेरा एक फ्रेंड था जो मीटअप्स में जाता था, म्यूज़िक के मीटअप्स में, तो आई स्टार्ट गोइंग विद हिम. सो स्टार्ट हुआ जब हमने म्यूज़िक बनाना चालू किया, तो धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने लिखना चालू किया. फिर मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स लोग को सुनाया, दे सेड इट्स गुड, यू शुड रिकॉर्ड इट. सो मेरा पहला गाना आया जिसका नाम था खींच ले, जो कि बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, तो आप सुन सकते हो जाके. दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. सो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, पर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि मैंने यूट्यूब पे डाला. तो उसके बाद मैंने सेकंड सॉन्ग निकाला, जो कि था बहुत है, जो ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है विद इन 2 वीक्स. या मेरी फेवरेट मूवी जो 2000 में आई थी, जो कि आई थिंक मैं बोलूँगा अभी तक काइंड ऑफ माय फेवरेट है, ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था. एंड हाँ, सो ही बिकम माय मोटिवेशन. तो उसके बाद मैंने बहुत डांस में भी, डांस के करियर में भी गया हूँ मैं. जब उसके बाद मैंने डांस करना भी चालू किया. सो या दैट्स माय फेवरेट मूवी आई से. म्यूज़िक का प्रोसेस ये है कि मैंने अपने बेडरूम में ही स्टूडियो बना रखा है, तो मैं वहीं पे लिखता हूँ, वहीं पे रिकॉर्ड करता हूँ और वहीं पे कंपोज करता हूँ. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोसेस. कभी मैं लिरिक्स पहले लिख देता हूँ और फिर म्यूज़िक बनाता हूँ, या फिर कभी कभी मैं म्यूज़िक बनाता हूँ फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिख देता हूँ. कभी कभी गाना ऐसा भी होता है कि मैं आधे घंटे में भी लिख देता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि इट टेक्स वीक्स. It really depends on your mood, कि आप क्या सोच रहे हो और किस direction में सोच रहे हो, and all of that. Yeah, if I want to take anything back, should be starting a music in my college life, which I didn't. मैंने मतलब पहले मेरा रुझाव ज़्यादा dance की तरफ था, and which turns into a music production or songwriting. तो अगर मेरे को पहले पता होता कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं शायद पहले ही लिखना और पहले ही सीखना चालू कर देता. या इट हैपन रिसेंटली न्यू ईयर की पार्टी पे, दिस ईयर 2020 के न्यू ईयर पे. आई वाज सो हाई एंड आई वाज डूइंग पुलअप्स इन द क्लब एंड एवरीवन वाज वाचिंग मी एंड आई डिडंट रियलाइज दैट एवरीवन इज वाचिंग मी. सो या सो दैट वाज एम्बैरेसिंग नेक्स्ट डे. या आई वुड देयर आर मल्टीपल पीपल्स व्हिच आई वांट टू डू फीचर विद. फर्स्ट नेम इज ब्रेक एंड द सेकंड वन वुड बी स्ट्रेट आउट ऑफ पंजाब, सिद्धू मूसेवाला. दोज टू आर माय फेवरेट व्हिच आई एम लिसन टू वेरी मच. सो या Yeah, the craziest thing would be the first time when I made a music and I showed to the meetup group
And they were like, it doesn't seem like you have made this first time. Yeah, so I get very good feedback, which actually motivated me to go through this path. So, and I thought like, I can do something. Yeah, so that was a motivational kind of. Yeah, the greatest fear I have is height phobia. I'm very scared of heights. Yeah, so basically I'm from India, from the northern part of India, which is called Punjab. And I'm from a small city called Sangrur. It's a district. Yeah, I'm from there. So मैं वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी पढ़ाई की है. तो मैं अभी सैन फ्रांसिस्को सिटी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल टाइम डेवलपर का काम करता हूँ. शाम को जब घर पे आता हूँ उसके बाद मैं अपना म्यूज़िक पे काम करना चालू करता हूँ. सो दैट्स हाउ माय डेली रूटीन गोज. जो मेरा स्पेयर टाइम होता है जिसमें मैं अपने घर से अपने काम तक ट्रैवल करता हूँ, जो कि मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, तो उसी स्पेयर टाइम में मैं अपना लिरिक्स लिखता हूँ, कंपोज कर देता हूँ और फिर वही घर पे आके उसको म्यूज़िक के ऊपर रिकॉर्ड करता हूँ. जो मेरा ओन फेवरेट सॉन्ग होगा, मतलब है, वो अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया है, बट इट विल बी आउट सून. अभी तक मैंने उसका नाम भी नहीं सोचा कि उस सॉन्ग का नाम क्या रखना है, बट या आई थिंक बहुत सारे लोगों को वो पसंद आएगा और होपफुली मैं उसको जल्दी ड्रॉप कर पाऊँ. और दूसरा सॉन्ग जो किसी और का है, सिद्धू मूसे वाला, इज़ ऑल टाइम माई फेवरेट. सो आई लिसन टू हिज ऑल सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स ड्रेक ऑल्सो. या बिग मोटिवेशंस, दैट्स वेयर आई गेट द मोटिवेशन फ्रॉम. सो या मैं उनके गाने सुनता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख के अपने गानों में इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ. जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था उसका नाम था खींच ले. और बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक कॉल करके मैसेज करके बोला कि इट्स वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग, बहुत अच्छा लिखा है. और जो सेकंड सॉन्ग था विच इज़ मोर ऑफ लाइक अ पार्टी सॉन्ग, जिसका नाम था बहुत है, तो उसको भी काफ़ी प्यार मिला. तो बट जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो मुझे लगता है अभी तक वो रिलीज़ नहीं किया है, बट जल्द ही मैं वो गाना रिलीज़ करने वाला हूँ. जो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, अभी वो अंडर कंपोजिशन है. सो होपफुली थोड़े ही बहुत ही कम टाइम में वो गाना भी आ जाएगा आप लोगों के पास. सो या हाँ, तो इस साल मैं अपने म्यूज़िक को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ और डिफरेंट जॉनर्स के गाने बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे लोग ज़्यादा सुने और मेरे गाने को पसंद किया जाए वर्ल्ड वाइड. जो भी मुझे सुनते हैं या फिर और सुनने वाले हैं, मेरे म्यूज़िक को पसंद करें, मेरे लिरिक्स को पसंद करें, मेरे डिलीवरी को पसंद करें. जिन लोगों को मेरा गाना अभी तक इतना अच्छा नहीं लगा वो अपना फीडबैक दें, ताकि मैं अपने गाने को और इम्प्रूव कर पाऊँ और इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँ. और हर तरह के एज ग्रुप्स के लिए गाने लिखना चाहता हूँ, भले वो टीन एजर्स हों या मिडल एज हों या फिर सीनियर लोग हों. शायद मैं कई लोगों को मोटिवेट भी कर सकूं. सो इस तरीके का काम करना चाहता हूं इस साल.